मैरी क्रिसमस बच्चों। तो कैसी चल रही है क्रिसमस की तैयारी? डेकोरेशन तो हो गई होगी और आप भी इस बार क्रिसमस पर ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं, ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खाने वाले हैं और अपने परिवार वालों और फ्रेंड्स के साथ ढेर सारे मज़े भी करेंगे। तो आप तो सभी ये जानते होंगे कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉस कितने इम्पॉर्टेंट है। आखिरकार ये सेंटा ही तो है जो हमें हमारी मनपसंद गिफ्ट देकर जाते हैं क्रिसमस की ईव पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले सेंटा ने किसे गिफ्ट किया था? क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले सेंटा इंडिया में कब आया? साथ ही साथ क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले सेंटा दुनिया में कब आया और सबसे पहले उन्होंने किसे गिफ्ट किया और क्या गिफ्ट किया? अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में ढेर सारी रोमांचक बातें हैं। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं कि आखिर सेंटा सबसे पहले कब आया। तो बहुत पुरानी बात है, नॉर्थ पोल नामक जगह में निकोलस नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बड़ा उदार था और उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ वो लोगों को हर वक्त खुशियाँ बांटने में विश्वास रखता था। अब आप भी यहाँ से इस चीज़ निकोलस से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें दूसरों की खुशी में किस तरह से खुश रहना है। तो निकोलस हमेशा हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। उसके पास एक अनोखी कला थी, वो लकड़ी के खिलौने बना सकता था, लेकिन उसकी इस कला के बारे में किसी को नहीं पता था। वो ऐसे ही बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने बनाया करता था, बड़े सुंदर सुंदर, बड़े आकर्षक, जिसे देखकर बच्चों का मन खुश हो जाता। तो निकोलस ने सोचा कि क्रिसमस आ रहा है तो क्यों ना बच्चों को थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। लेकिन निकोलस ये नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चल जाए। तो निकोलस ने क्रिसमस आने से बहुत पहले से अपनी कला से लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारे खिलौने बनाए, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने बनाए। उन्होंने ये सब तो बना लिया, फिर उन्होंने सोचा कि आसपास के बच्चों को वो चिमनी के सहारे से उनकी क्रिसमस की सॉक्स में वो गिफ्ट रख कर आएंगे। उन्होंने सारे गिफ्ट्स पैक कर लिए, वो निकले अपना झोला लेकर अपने पड़ोस के बच्चों को गिफ्ट देने। थोड़ी दूर तो वो चल दिए, लेकिन निकोलस की उम्र हो चुकी थी, वो बूढ़े इंसान थे, इसीलिए ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाए। तो फिर आप सोचो निकोलस ने क्या किया होगा। तो चलिए आपको बताती हूँ, निकोलस ने उस वक्त अपनी बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी निकाली और अपने गैराज से 12 सिंहों को भी निकाला, जिससे वो बर्फ़ में आसानी से चल सके और थके बिना। लेकिन थोड़ी दूर जैसे ही उनकी बर्फ़ की गाड़ी और 12 सिंह गए तो वो बर्फ़ में फंस गए। तो अब निकोलस बड़े परेशान थे कि आखिर वो बच्चों को ये खिलौने कैसे दे। तो उस वक्त आसमान से एक परी आई। उस परी ने निकोलस को बताया कि निकोलस, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप नन्हे मुन्हे बच्चों को खुशियां बांट रहे हैं। तो मैं आपको अब ये वरदान देती हूँ कि आपकी गाड़ी अब हवा में उड़ पाएगी। उन्होंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बोने भी बनाए, जिनकी नाक लंबी और कान भी बड़े अजीब थे, जो निकोलस की मदद कर सकते उनके गिफ्ट्स पैक करने में, उनके गिफ्ट्स बनाने में। और उनकी 12 सिंह वाली
बर्फ वाली गाड़ी अब हवा में भी उड़ सकती थी और परी ने अपने जादू से निकोलस को भी एक सुंदर पोशाक दी जिसे हम सेंटा क्लॉस का आउटफिट भी कहते हैं। उस पोशाक में निकोलस की लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें और सर पर लाल टोपी और बगल में उनके झोला और उस झोले में बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स। तो तब से निकोलस ने अपनी गाड़ी पर बैठे थोड़ी सी लगाम उन्होंने 12 सिंगों को दी और उनकी गाड़ी हवा में उड़ पड़ी और हवा में उड़ने के बाद उन्होंने हर बच्चे को चिमनी के सहारे से गिफ्ट्स दिए और ये सिलसिला तब से अब तक चला आ रहा है और बच्चों को सीक्रेट सेंटा या सेंटा क्लॉस और नए नए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छा लगा ना? तो आप भी इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी जान पाएं कि आखिर सबसे पहले सेंटा कब आया था।